साथियों, आज हम पहुंचे हैं एएस हॉस्पिटल मेरठ में। ये शंभुदास गेट के सामने है और हापुड़ रोड है ये, यानी कि हम कह सकते हैं कि शंभुदास गेट के सामने हापुड़ रोड मेरठ। तो आज हम मिलते हैं हॉस्पिटल के डायरेक्टर से। तो बताइए शहादत अली जी, डॉक्टर शहादत अली जी, थोड़ा सा बताइए हॉस्पिटल के बारे में विस्तार से, जिससे कि हमें जानकारी मिल सके। देखिए, हॉस्पिटल जो हमने बनाया है छोटा सा अस्पताल है, 30 बेड हॉस्पिटल है। इसमें सभी प्रकार की सर्जरी, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजिस्ट, यहाँ तक एनाटॉमी वगैरह की भी सुविधा हमारे यहाँ पे है। तो तमाम डॉक्टर्स ऑन कॉल हमारे यहाँ आते हैं और हर प्रकार की बीमारी का इलाज हमारे यहाँ किया जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि एक ही छत के नीचे आपके यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है हॉस्पिटल में, तो क्या हॉस्पिटल में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है? जी, आईसीयू है हमारे हॉस्पिटल में, 8 बेड आईसीयू है, वेंटिलेटर है आईसीयू, और जैसे मान लो सब कुछ है, नवजात बच्चे हैं उनके लिए पीआईसीयू नर्सरी बनाई है, 7 बेड नर्सरी है हमारे। यानी कि हम कह सकते हैं कि एएस हॉस्पिटल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। और हम अब बात करते हैं डॉक्टर अव्वल चौहान जी से, ये भी यहाँ के डायरेक्टर हैं। तो थोड़ा सा आप भी बताएं डॉक्टर साहब, क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप क्षेत्र को इस हॉस्पिटल के माध्यम से? इस हॉस्पिटल के माध्यम से हम सुविधाएं जो दे रहे हैं, तो आईसीयू की सुविधा दे रहे हैं और एक पीडिया विभाग की सुविधा दे रहे हैं, जो पीडिया में एनआईसीयू वगैरह है, उसमें कैसा ही क्रिटिकल पीडिया, जो नवजात का जो बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद में जो मशीन में रखे जाते हैं, उसकी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। और उसके अलावा जो 5 साल 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। और उसके अलावा जो पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर का, भाई किसी पेशेंट को क्रिटिकल पेशेंट है, ट्रॉमा है, तो उसकी भी सुविधा हमारे पास में है। और इसके अलावा जो सर्जरी वगैरह है, सर्जरी का भी विभाग हमारे पास में है। सर्जरी में अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, इन चीजों की भी सुविधा हमारे पास में है। और इसके अलावा जच्चा बच्चा की ऑपरेशन वगैरह, नॉर्मल वगैरह की भी सुविधा हमारे पास में है। बहुत ही अच्छे। देखो, हमें बहुत खुशी हुई जानकर कि ये हमारे क्षेत्र में सभी सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल ओपन हुआ है। और अभी भी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे यहाँ पर नवजात शिशु से लेकर और चाहे कितना भी एजिड हो आदमी, हर प्रकार की सुविधा और हर प्रकार के मरीज का इलाज किया जाता है। तो ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है कि इतने नजदीक में हमारे एरिया में ये हॉस्पिटल ओपन हुआ है और हमें इसका लाभ भी लेना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ के तीसरे जो डायरेक्टर है, डॉक्टर उस्मान खान से। बताइए डॉक्टर साहब, यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप भी बताइए। यहाँ के बारे में हमने सबसे पहले कुछ गरीबों के लिए भी पैकेज रखे हैं, जैसे कोई गरीब मरीज है उनके लिए फ्री एम्बुलेंस सुविधा है, और जो बहुत ही पुअर पेशेंट होते हैं, जैसे मान लिया कोई इलाज करना संभव नहीं समझता, अपनी कैपेसिटी बाहर है, तो उनके लिए बस डॉक्टर की फीस दो और दवाई 50% देने के बाद, जैसे हमारे जमात के लाइन के आदमी हैं उनके लिए सुविधा है, जैसे कोई यतीम बच्चा है, मदरसे में पढ़ता है और बाहर का बच्चा है, वो इलाज कराने में समक्ष नहीं है, तो उनके लिए ये सुविधा है कि बस डॉक्टर की फीस और दवाई पर 50% ऑफ कर दिया, बस खर्चा ले लिया और बाकी उनसे कोई मार्जिन वगैरह नहीं लिया हमने, उनके लिए सुविधा अच्छा। और जो गरीब मरीज के लिए एम्बुलेंस की सुविधा फ्री है। देखो, बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर उस्मान खान ने और हमें ये बात जानकर बेहद खुशी हुई। यानी कि एक कहावत है कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और आज एएस हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बताया कि जो गरीब है उनके लिए स्पेशल छूट भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, यानी कि जहां तक संभव हो सकेगा उनके लिए छूट की जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरठ के अंदर बहुत ही अच्छी पहल है, जिसमें इन्होंने अभी भी विस्तार से बताया कि इन्होंने अलग अलग छूट के रूप में श्रेणी रखी हुई है, छात्रों के लिए अलग है, और इन्होंने बताया कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं या फिर जो जमात लाइन से आदमी जुड़े हुए हैं
या फिर कोई बोल देते हैं क्या नाम उसका, कोई शर्मा पंडित वगैरह होते हैं जो मतलब कुल मिला के सभी धर्मों के लोगों का इन्होंने छूट देने का एक प्रावधान बनाया अलग अलग, और यहाँ पर इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक भी मतलब इशारा भी किया है कि हर प्रकार के मरीजों में छूट भी दी जा सकती है। तो ये इनका एक बहुत ही सराहनीय कदम है, और मैं अपने शब्दों में कह सकता हूँ कि मैं इस पहल के लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने क्षेत्र में इस पहल का शुभारंभ किया है। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार एएस हॉस्पिटल में जरूर आए। इसका एक बार मैं आपको फिर दोबारा एड्रेस बताना चाहता हूँ, एएस हॉस्पिटल हापुड़ रोड अपोजिट शंभुदास गेट, यानी कि शंभुदास गेट के बिल्कुल सामने ये एएस हॉस्पिटल है, जिसमें अभी भी हमारे डॉक्टर अव्वल चौहान जी ने और डॉक्टर शाहजद अली साहब ने भी विस्तार बताया था हमें कि हमारे यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, चाहे वो नर्सरी हो, आईसी हो, पीस आईसी हो या पीआईसी हो, यानी हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, और कह सकते हैं कि वातानुकूलित कमरे भी यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा है, और आधुनिक सभी सुविधाएं चाहे वो ऑक्सीजन है या अन्य कोई भी सुविधा है हमारे यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बहुत अच्छी पहल एएस हॉस्पिटल के माध्यम से शुरू की है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद बताना चाहता हूँ कि जो आपकी ये पहल है ये बहुत अच्छी पहल है, इसमें समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, और जो गरीब पेशेंट होता है जो इलाज कराने में सक्षम नहीं होता वो भी अपना इलाज आसानी से करा सकता है। तो ये आप लोगों की बहुत ही अच्छी पहल है, इसका हम बार बार स्वागत करेंगे, और ये बात भी हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे कि एक बार एएस हॉस्पिटल में जरूर आए और यहाँ की सुविधाओं का आप भरपूर फायदा उठाएं, यानी कि कम पैसों में भी आप अपना इलाज आसानी से यहाँ पर करा सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी पहल है। तो और कुछ बताना चाहेंगे आप एएस हॉस्पिटल के बारे में डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताएं। बस यही है कि एक तरीके से कौम की खिदमत हो जाए। अच्छा, जैसे मान लो डिलीवरी की सुविधा ये सब भी यहाँ पर उपलब्ध है? डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो देखो डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजरियन डिलीवरी हो, ऑपरेशन वाली डिलीवरी हो, यानी हर प्रकार से यहाँ पर आपको वो सुविधाएं मिल जाएगी। जी, तो 24 जी जी जी, तो डॉक्टर साहब बताए कि जो ऑपरेशन होते हैं वो ऑपरेशन दूरबीन द्वारा भी यहाँ पर किए जाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन के द्वारा, जैसे जो पित्त की थैली का ऑपरेशन है वो लैप्रोस्कोपी दूरबीन के जरिए से उसका ऑपरेशन किया जाता है, जो किडनी में पथरी होती है उसका भी दूरबीन के जरिए से किया जाता है। कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जो दूरबीन द्वारा किए जाते हैं, कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जो ओपन किए जाते हैं, यानी कि खुले किए जाते हैं। तो डॉक्टर उस्मान जी, आप बताइए कि जो हड्डी से संबंधित भी क्या हमारे इस हॉस्पिटल में सुविधा मिल पाएगी, जैसे जोड़ों का ऑपरेशन होता है हड्डियों संबंधित? हड्डी संबंधित हमारे सभी तरह के खून करते हैं, जैसे सीआरएम हमारे पास है, सीआरएम एक मशीन होती है जिसके थ्रू ऑर्थोपेडिक का खून अच्छी तरह से होता है, वो सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है और बहुत रिजनेबल प्राइस में है, कम से कम प्राइस में। और हमारे साथ डॉक्टर आमिर साहब भी जुड़ चुके हैं जो एस हॉस्पिटल का हिस्सा है, तो हम डॉक्टर आमिर साहब से भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आमिर साहब ओपीडी के लिए क्या सुविधा है स्टार्टिंग, जैसे ओपीडी के लिए हम व्यवस्था चालू कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग नहीं किया है, तो हम मल्टी फिटिंग कराएंगे अभी आने वाले टाइम में, जैसे सपोर्ट मिल जाएगा। तो क्या दवाइयों पर भी आपके हॉस्पिटल में? दवाइयों पर हम अभी 30% आपको डिस्काउंट देते हैं, जैसे गरीब आदमी और पैथोलॉजी रिपोर्ट जो होती है गरीबों के लिए स्पेशली क्या डिस्काउंट है, और आमतौर पर पेशेंट आते हैं। तो क्या पैथोलॉजी लैब में जो हर प्रकार के टेस्ट भी? पैथोलॉजी में और डायग्नोस्टिक हमारे पास अवेलेबल है सुविधा, तो पैथोलॉजी में हम सभी तरह के टेस्ट करते हैं, और डायग्नोस्टिक में एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, उनमें भी स्पेशल। देखो मैं तो मैनेजर साहब से इनसे मिलकर, जो पूरा मैनेजिंग स्टाफ है या मैनेजिंग पूरा मैनेजमेंट है, तो मैं तो ये निष्कर्ष निकाल रहा हूँ कि बहुत ही सस्ते दामों पर यहाँ पर आज की आधुनिक सुविधाएं मिलने वाली है, तो
अब सोचना कैसा, इतना सब कुछ मैं कह सकता हूं कि इतनी छूट के साथ शायद आपको किसी हॉस्पिटल में इतनी सुविधाएं दी जाए। तो मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं कि एएस हॉस्पिटल में जरूर आए और हर प्रकार से मैं कहता हूं कि सभी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध है, इन सुविधाओं का फायदा उठाएं। आइए अब हम आपको घुमाते हैं एएस हॉस्पिटल में।